मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे पास में चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 12 फ्रैक्शन। आपने देखा होगा चैप्टर नंबर 12 फ्रैक्शन। ओके, अब हम आज इसमें पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रैक्शन। हम अपने फ्रैक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, फ्रैक्शन इज डिजायरेबल इन सम सिचुएशन। हैव यू एवर thoughts why the sole of your shoes is grooved and it is done to provide the shoes better grip on the floor so that you can move safely. Similarly, the treated tires of a car, truck and a bulldozers provide a better grip with the grounds. तो हमारे पास में, जैसे कि आपने देखा हो कि जो हमारे शूज होते हैं, हमारे व्हीकल्स के टायर्स होते हैं, उनके पास में होती हैं ग्रिप्स होती हैं कि वो अपने क्या कर सकें, ग्राउंड के साथ में अपनी जो ग्रिप्स है उसको बना के रख सकें। उससे क्या होता है कि अगर हमारे पास में इस तरीके की ग्रिप्स होती हैं तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो फ्रैक्शन है उसको क्या कर सकते हैं, समटाइम्स तो रिड्यूस भी कर सकते हैं और समटाइम्स बढ़ा भी सकते हैं। क्योंकि अगर मांगे, इससे क्या होता है कि हमारे पास में एक तो सरफेस के साथ में कॉन्टैक्ट भी कम आते हैं, दूसरा इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास में कहीं पे भी अगर फ्रैक्शंस कम है, कोई स्लाइड वाली जगह है, तो उसमें क्या होती है कि जो हमारी जो ग्रिप्स होती हैं वो अपनी अर्थ के साथ में अपनी ग्रिप्स को ढंग से, मतलब जो इंटरलॉकिंग होती है दोनों सर्फेसिस के बीच में, वो भी सही से हो जाती है। इसलिए हमारे पास में ये क्या होता है, हम फिसलती भी नहीं है। तो इसलिए हमारे पास में अपने शूज वगैरह हैं और जो व्हीकल्स के व्हील्स होते हैं उन सभी में हमारे पास में ग्रिप दी जाती है। वी डेलिब्रेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग अ ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम्स और बाईसाइकिल एंड ऑटोमोबाइल्स। हम क्या कर सकते हैं, हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग अ ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम्स ऑफ ए बाईसाइकिल एंड ऑटोमोबाइल्स। हम अपनी जो ब्रेक पैड्स और उसको अप्लाई करके हमारे पास बाइसाइकिल्स में जो ब्रेक पैड्स होते हैं, अगर हम उनको बढ़िया वाला रखेंगे तो हम उसके फ्रैक्शंस को क्या कर सकते हैं, अपनी इंक्रीज भी कर सकते हैं। व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसाइकिल द ब्रेक पैड्स डू नॉट टच द व्हील्स बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक्स लिवर दीज पैड्स रेस्ट द मोशंस ऑफ द रिम ड्यू टू द फ्रैक्शंस द व्हील्स स्टॉप्स मूविंग। यू माइट हैव अ सीन दैट्स द कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद द सॉइल फॉर अ बेटर ग्रिप ऑफ देयर अपोनेंट्स। जिमनास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंसेस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज द फ्रैक्शन फॉर अ बेटर ग्रिप्स। हमारे पास में आपने देखा होगा कि जो अगर हमारे पास में साइकिल का टायर है वो घूम रहा है, तो अगर हम उसमें ब्रिक अप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास जो रिम होती है उसके पास में जो हमारे ब्रिक्स के जो ब्रेक के वो होते हैं पैड होते हैं, वो क्या करते हैं उस रिम को कैच कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि उन पैड्स और रिम के बीच में क्या होता है, फ्रैक्शन के कारण वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, अपनी साइकिल रुक जाती है। ऐसे ही अगर हमारे पास में मान के चलिए कि जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं वो अपने जो स्ट्रिंग होती है, जो एक रस्सी होती है, उसको इधर से इधर, सॉरी कबड्डी नहीं, जो एक हमारे पास में खेल होता है ना जिसमें हम रस्सी को इधर से इधर खींचते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एकदम से इधर के जो पर्सन है वो क्या करेंगे और जो इधर के पर्सन है वो, जो हम उसको खींचने से पहले अपने हाथों पर सॉइल लगाते हैं, पहले अलग मिट्टी लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि अपनी जो हाथों में चिकनाहट है वो खत्म होकर उस पर जो रस्सी पे अपनी ढंग से ग्रिप बन सके, उसको हम इधर से या इधर खींचने में अपनी फ्रैक्शन क्या हो जाती है, उससे इंक्रीज हो जाती है, उस पर अपनी पकड़ है वो क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। क्लियर है? ऐसी जो जिमनास्टिक के जो प्लेयर है वो भी इसी तरीके से हमारे पास में करते हैं कि अपनी फ्रैक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज कर सके। इन सम सिचुएशंस हाउएवर फ्रैक्शन इज अंडर अनडिजायरेबल एंड वी वुड वॉन्ट्स टू मिनिमाइज इट। हम इन केसेस में हमने देखा कि हमें अपनी फ्रैक्शंस बढ़ानी होती है क्योंकि हम अपनी फ्रैक्शंस को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ टाइम पे हमारे पास में फ्रैक्शन को रिड्यूस भी करना होता है। व्हाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन अ कैरम बोर्ड्स। यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल इज पोर्ड ऑन द हैंगिंग ऑफ अ डोर, द डोर मूव्स स्मूथली। बाईसाइकिल और मोटर मशीन्स यूज ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दीज मशीन्स। इन ऑल ऑफ द अबव केसेस वी वॉन्ट टू रिड्यूस द फ्रिक्शंस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इफिशियंसी। हमारे पास में आपने देखा होगा कि अगर हम कैरम खेल रहे हैं तो कैरम पर पाउडर डालते हैं, तो पाउडर क्या होता है, हमारा पाउडर एक चिकनी फॉर्म में होता है, तो उससे क्या होता है कि उससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, हमारा स्ट्राइक कर रहा है जो गोटियाँ वो क्या करते हैं, इजिली मूव करती हैं।
और आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास में कोई किवाड़ है या कुंडी है या फिर अपने जो लॉक की और लॉक होता है उसमें अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया तो उसमें भी हम ऑयली या ग्रीसिंग वगैरह करते हैं, जिससे क्या होता है हमारे पास में कि फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है और वो स्मूथली मूव करते हैं। क्लियर है? वेन ऑयल ग्रीस और ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन, अ थिन लेयर इज फॉर्म्ड देयर एंड मूविंग अ सरफेस डू नॉट डायरेक्ट रब्स अगेंस्ट ईच अदर। इंटरलॉकिंग ऑफ द इनरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, अ मूवमेंट बिकम अ स्मूथ दे सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। हमारे पास में अगर हम ग्रीस है, ग्रेफाइट है और कोई भी ऑयल वगैरह हम किसी भी पार्ट्स में डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी दोनों सर्फिस के बीच में जो इंटरलॉकिंग है वो क्या हो जाती है, प्रॉपर वे में नहीं हो पाती है, क्योंकि दोनों सर्फिस के बीच में जो हमारे जो आ जाते हैं, जैसे कि हमने ऑयल डाला या फिर ग्रीसिंग करी तो दोनों सर्फिस के बीच में आ जाते हैं, जिससे हमारे जो दोनों सर्फिस की जो इंटरलॉकिंग है वो प्रॉपर नहीं होती है और हमारा फ्रिक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि हमारे पास में फ्रिक्शन क्यों होता है, क्योंकि दोनों सर्फिस के बीच में जो इंटरलॉकिंग हो जाती है, जो इनरेगुलरिटीज होती हैं उनमें क्या हो जाती है, इंटरलॉकिंग हो जाती है, फिर हमारा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर हम कोई भी डाल देते हैं, ऐसे ग्रीस डाल दिया, ऑयल डाल दिया या फिर कोई ग्रेफाइट वगैरह डाल दिया, ऐसे क्या होता है हमारे दोनों सर्फेसिस के बीच में जो इंटरलॉकिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है और हमारे पास में जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो द सब्सटेंस विच आर रिड्यूस द फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। तो हम जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जिन सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं हम उनको बोलते हैं क्या, लुब्रिकेंट्स। क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट्स। जैसे कि ऑयल है, ग्रीस है, ग्रेफाइट है, ये सब क्या है, हमारे लुब्रिकेंट्स हैं। इन सम मशीन इट मे नॉट बी एडविजेबल टू यूज ऑयल एज अ लुब्रिकेंट्स, एस एयर प्रेजेंस बिटवीन द मूविंग पार्ट इज यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। हमारे पास में कुछ जो मशीन्स होती हैं उसमें हम ऐसे ऑयल को ऐसे लुब्रिकेंट्स यूज नहीं कर सकते हैं, एंड एयर फ्रिक्शंस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो हमारे पास में उनके बीच में क्या होता है कि हमें एक डिफरेंट प्रकार के लुब्रिकेंट्स का यूज़ करना होता है। अब देखिए हमारे पास में क्या होता है कि जैसे कि ये वाली सरफेस की ये वाली जो इनरेगुलरिटीज़ है, मतलब जो रफ सरफेस है इसकी जो इनरेगुलरिटीज़ हैं वो ये वाली हैं, इस वाली सरफेस की इनरेगुलरिटीज़ ये वाली हैं। अब हमने इसमें बीच में अगर कुछ भी डाल दिया, जैसे ऑयल, ग्रीस या ग्रेफाइट कुछ भी डाल दिया, तो इसमें ये इन दोनों सर्फेसिस की क्या होती है, अपनी जो इंटरलॉकिंग है वो प्रॉपर नहीं होता है, हो पाती है, और इन दोनों सर्फेसिस के बीच में ये लुब्रिकेंट्स है वो आ जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे पास में फ्रिक्शन कम होता है और हमारे जो पार्ट्स का वियर एंड टीयर प्रॉब्लम है वो भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अपना नेक्स्ट पार्ट है वो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके थैंक यू।